नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। पटवारी गिरी का सौर सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदबाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वंशीधर जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके श्री और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वक्स हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वरद मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलावर की आशा लता लहर लाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी कुछ महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर
उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बारहों मास सदावर्त चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भरम दूर हो गया, यह नमक के डेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह नहीं, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमकहरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में आज तक कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे एहसास ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिमान दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग नमक का दरोगा पार्ट 2 हमारे चैनल पर है। प्लीज
उसको भी देखिए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बगल में लगे बेल आइकन को ऑन पर सेट कीजिए।